Good morning, everyone. I hope you are all on good and set today and you are all here. So, today we will start a new chapter, that is chapter 13, Magnets and Magnetism. Okay? So, you have, I think you have all, आप लोग ने सबने मैग्नेट तो दिखे होंगे, थोड़ा सा ब्लैक कलर का होता है, ठीक है? So, it's attract आयन्स पीसेस हैं तो आप दिखे होंगे, ठीक है, मैग्नेट्स. सो आज हम जानेंगे इस चैप्टर में व्हाट इज मैग्नेट्स एंड व्हाट इज मैग्नेटिज्म, ठीक है? सो बहुत सारे ऐसे टर्म्स के बारे में जानेंगे, जिसके मैग्नेट, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, मैग्नेटाइजेशन क्या है, ओके, उसके बारे में हम जानेंगे. सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन जानते हैं कि मैग्नेट के बारे में, ठीक है? तो मैग्नेट्स हैव बिकम वेरी कॉमन. दीज आर यूज इन मैग्नेटिक स्टिकर्स, पिन, स्टैंप्स, टॉयज विथ अ मैग्नेट, देन मैग्नेटिक चेस, मैग्नेटिक लूडो. इट इज सी रेफ्रिजरेटर डोर हैज अ मैग्नेट फिक्स्ड इनसाइड इट्स रिम. आप जो वी आर ओपनिंग रेफ्रिजरेटर एंड क्लोजिंग, सो आपने फील किया होगा जब आप रेफ्रिजरेटर ऑन करते हैं या तो उसको खोलते हैं तो वो क्या होगा, वो खुद जब उसके पास लेते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है? तो ये इट इज ड्यू टू मैग्नेटिज्म. ओके, सो मैग्नेटिक स्टिकर्स आर यूज टू होल्ड मेमो स्लिप्स ऑन द बोर्ड. सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न समथिंग मोर अबाउट मैग्नेट. ओके, सो लेट्स अब कुछ मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेट्स का जो फाइंड आउट हुआ था पहले उसके बारे में जानते हैं. अबाउट 2800 इयर्स एगो ए सेफर्ड बॉय नेम मैग्नस, ओके, अबाउट 2800 इयर्स एगो, ओके, ए सेफर्ड बॉय, ठीक है, सेफर्ड जानते हो ना, तो ए सेफर्ड बॉय मैग्नेस, नेम क्या है, मैग्नेस. सो ए सेफर्ड बॉय मैग्नेस लिव्ड इन ए टाउन कॉल्ड मैग्नेसिया. एक गांव में, टाउन में रहता था जो कि मैग्नेसिया इन ग्रीस, ग्रीस में रहता था. सो वन डे व्हाइल ही वाज पास्चरिंग हिज कैटल फ्लॉक्स ही सैट डाउन ऑन ए ब्लैकिश रॉक to take a rest. So while getting up, he found that the nails of his shoe and the iron hook of his stick were strongly attached to the rock. जब वो उठने के लिए कोशिश उठा तो तभी क्या हुआ, जो उसके shoes में जो nails लगे थे, जो hook लगा था, वो क्या हुआ है, वो पत्थर में, जो ब्लैक कलर का पत्थर है उसमें अटैच हो जाता है, वो लग जाता है, वो उठ नहीं पाता है, ठीक है, उसको ऐसा लगा. तो उसके बाद क्या हुआ, दिस रॉक वाज द फास्ट मैग्नेट डिस्कवर्ड बाय मैन. तो तभी दैट वाज द फास्ट रॉक जो कि मैन के द्वारा डिस्कवर हुआ था एक मैग्नेट के तौर पर. द वर्ड मैग्नेट कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द टाउन मैग्नेसिया. तो जो मैग्नेट नेम है वो मैग्नेसिया नेम से आया है, जो टाउन है मैग्नेसिया, उसी टाउन के नेम से वो आया है मैग्नेसिया, ठीक है. और क्या है कि व्हेयर फास्ट मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड, बट सम पीपल एस्क्राइब द नेम मैग्नेट टू द नेम ऑफ द सेफर्ड बॉय मैग्नेस. तो कुछ कुछ वो टाउन के नेम से आया है वो मानते हैं, और सम पीपल एस्क्राइब दैट कि वो जो वो बॉय जो नेम है मैग्नेस उसके नाम पे आया, ठीक है. सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ द मैग्नेट. ओके, ओके, सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट. नाउ लेट्स सी योर आर्टिफिशियल मैग्नेट. सो टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, वन नेचुरल मैग्नेट जो पाए जाते हैं नेचर में, और कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट जो बनाए जाते हैं, ठीक है. सो मैग्नेट्स आर द सब्सक्राइब्स विच हैव द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्टिंग आयरन, ठीक है. मैग्नेट ऐसे है कि जो वो आयरन को खींचता है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है. सो इन नेचर सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्टिंग आयरन पीसेस. देर आर नो
एज द नेचुरल मैग्नेट. तो कुछ ऐसे चीज होते हैं जो कि मैग्नेट को सॉरी जो मैग्नेट सॉरी लोहा को या आयरन को जो अट्रैक्ट करते हैं. तो दैट इज द नेचर ऑफ द मैग्नेट्स. मैग्नेट्स विच आर मेड इन लैबोरेटरीज और फैक्ट्रीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. जो लैबोरेटरी में बनाया जाता है, जो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. ओके, सो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर टू टाइप्स. वन इज परमानेंट मैग्नेट और सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो आर्टिफिशियल मैग्नेट आर टू टाइप. वन इज परमानेंट मैग्नेट and second is electromagnet. Okay, one is permanent magnet and second is electromagnet. So permanent magnet are usually made of the alloys containing iron such as steel and alloy containing iron, aluminium and cobalt and alloys of steels with nickel etc. Ye sab alloy se banta hai permanent magnet. But nowadays, a special type of magnet called cremic magnets are made from the oxide of iron, nickel and beryllium. Okay, a special type of magnet, cremic magnet, okay, जो कि oxide of iron से बना है, nickel से बना है और cobalt, beryllium से बना है, ठीक है? तो ये तीनों से मिश्रण से बनाया गया है, बनाया जाता है वो, ठीक है? So electromagnets are made by welding a coil of an insulated copper wire around a cylindrical piece of soft of iron, passing direct current through the coil. तो ये जो electromagnet है वो बनाया जाता है ऐसे, ठीक है? So दो तरह के magnet होते हैं, एक हुआ हमारे permanent magnet, दूसरा हुआ electromagnet. वो कैसे बनाया गया है ये भी हम जाने. Then shape of magnet. So परमानेंट मैग्नेट्स आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स. बहुत सारे शेप्स होते हैं, लेकिन सब कॉमन शेप्स और जैसे कि हम बोलेंगे सिलिंड्रिकल शेप्स, सिलिंड्रिकल शेप, देन यू शेप, ओके, और बहुत सारे हॉर्सो मैग्नेट भी ऐसे शेप है, बार मैग्नेट ऐसे भी बहुत सारे शेप्स हैं. तो वो जो शेप्स है वो दो, उनका दो डिरेक्शन होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, दोनों पोल होता है, ठीक है? देन ये था शेप ऑफ मैग्नेट. उसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? सो इन टुडे क्लास वी गॉट टू लर्न अबाउट द व्हाट इज मैग्नेट एंड हाउ द हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट एंड टाइप ऑफ मैग्नेट. ओके, सम इंट्रोडक्शन वी हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लास. ओके, सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस.